को एकजुटता के साथ आगे बढ़ाएंगे आप, और कैसे मिशन 2022 फतह करेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को विधायक का टिकट दिया है। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उनकी विश्वास को उसको बनाए रखूंगा और भारी मतों से इस चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। और चूंकि मैं लंबे समय से जन सरोकारों से, जन संघर्षों से जुड़ा हूं, मुझे इस विधानसभा की प्रत्येक समस्या का और प्रत्येक गाँव में हर वस्तु स्थिति का मुझे जानकारी है। मैं एक बार एक ठोस कार्य योजना बनाकर पूरी विधानसभा का सर्वांगीण विकास करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता में आपका कौन सा कार्य होगा? देखिए, यहाँ पर कुछ काम है जो मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। जैसे सबसे बड़ी परेशानी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जंगली जानवरों से और हाथियों से आतंकी है, हमें उससे निजात दिलाना है। हमारे पास जो है ये एक इंदिरा नगर का जो गंदा नाला यहाँ पर आता है, वो हमारे भी बहुत बड़ी समस्या है। ये जो हमारे क्या नाम है, गोला नदी को लेकर जो समय समय पर इसमें दिक्कतें आ रही है, गोला नदी के किनारे तटबंध जो है वो हमारी बड़ी समस्या है, उसके लिए काम करूंगा। बिंदु खत्ता राजस्व गांव का मुद्दा भी मेरे संज्ञान में है, उसके लिए प्रयास करूंगा। और इस तरह से गोलापार, और यहाँ चूंकि ये लंबा चौड़ा क्षेत्र है तो हर क्षेत्र, गोलापार की समस्याएं अलग है, चोरगलिया की अलग है, बिंदु खत्ता की अलग है और बैलोड की अलग है। मैं हर क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ हूँ, मैं उनके निराकरण के लिए काम करूँगा। इसके अलावा जानना चाहते हैं, कांग्रेस ने आपके सामने एक दिग्गज नेता को उतारा है, तो किस तरीके से चुनौती समझते हैं अपने सामने? देखिए, यदि कांग्रेस ने किसी स्थानीय व्यक्ति को उतारा होता तो निश्चित रूप से वो चुनौती होती। आज के समय में मतदाताओं का ट्रेंड बदल गया है। आज के समय में लोगों को अपने बीच का, अपने साथ का, अपनी पहुंच का आदमी चाहिए, और मैं समझता हूं, मैं इस अपेक्षा पर खरा उतरता हूं, तो इसलिए कहीं से कहीं तक कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस की आपसे गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? अब वो उनकी पार्टी का मामला है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं। यहाँ के विधायक की वहाँ पर अपने आप बैठक बुलाए और वहाँ पर उनके समर्थक मिल रहे हैं, उसको लेकर क्या है आपका, उनको साथ में लेके चलेंगे? देखिए, हमारे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी मैं यहाँ से फ्री होने के बाद, क्योंकि सुबह से ही कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, मैं यहाँ से जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं विधायक जी के घर पर जाऊँगा, और जो है इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होगा भी तो उसे आपस में मिल बैठ के सुलझा लिया जाएगा। उनका आशीर्वाद लेके 2022 तक करेंगे? बिल्कुल, उनका आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद सब मेरे साथ है। एकजुटता के साथ आगे बढ़ाएंगे आप, और कैसे मिशन 2022 फतह करेंगे? देखिए, मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को विधायक का टिकट दिया है। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं उनकी विश्वास को उसको बनाए रखूंगा और भारी मतों से इस चुनाव में हम जीत हासिल करेंगे। और चूंकि मैं लंबे समय से जन सरोकारों से, जन संघर्षों से जुड़ा हूं, मुझे इस विधानसभा की प्रत्येक समस्या का और प्रत्येक गांव में हर वस्तु स्थिति का मुझे जानकारी है। मैं एक बार एक ठोस कार्य योजना बनाकर पूरी विधानसभा का सर्वांगीण विकास करूंगा, ऐसा मेरा मानना है। आपके विधायक बनने के बाद पहली प्राथमिकता में आपका कौन सा कार्य होगा? देखिए, यहाँ पर कुछ काम है जो मेरी प्राथमिकता में रहेंगे। जैसे सबसे बड़ी परेशानी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जंगली जानवरों से और हाथियों से आतंकी है, हमें उससे निजात दिलाना है। हमारे पास जो है ये एक इंदिरा नगर का जो गंदा नाला यहाँ पे आता है, वो हमारे भी बहुत बड़ी समस्या है। ये जो हमारे क्या नाम है, गोला नदी को लेकर जो समय समय पर इसमें दिक्कतें आ रही है, गोला नदी के किनारे तटबंध जो है वो हमारी बड़ी समस्या है, उसके लिए काम करूँगा। बिंदु खत्ता राजस्व गाँव का मुद्दा भी मेरे संज्ञान में है, उसके लिए प्रयास करूँगा। और इस तरह से गोलापार, और यहाँ चूँकि ये लंबा चौड़ा क्षेत्र है तो हर क्षेत्र, गोलापार की समस्याएं अलग है, चोरगलिया की अलग है, बिंदु खत्ता की अलग है और बैलोड की अलग है। मैं हर क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ हूँ, मैं उनके निराकरण के लिए काम करूँगा। इसके अलावा जानना चाहते हैं, कांग्रेस ने आपके सामने एक दिग्गज नेता को उतारा है, तो किस तरीके से चुनौती समझते हैं अपने सामने? देखिए, यदि कांग्रेस ने किसी स्थानीय व्यक्ति को उतारा होता तो निश्चित रूप से वो चुनौती होती। आज के समय में मतदाताओं का ट्रेंड बदल गया है। आज के समय में लोगों को अपने बीच का, अपने साथ का, अपनी पहुंच का आदमी चाहिए, और मैं समझता हूं, मैं इस अपेक्षा पर खरा उतरता हूं, तो इसलिए कहीं से कहीं तक कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस की आपसे गुटबाजी को लेकर क्या कहेंगे? अब वो उनकी पार्टी का मामला है, उसके लिए हम क्या कह सकते हैं। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और सब लोग एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं। आज यहाँ के विधायक की वहाँ पर अपने आप बैठक बुलाए और वहाँ पर उनके समर्थक मिल रहे हैं, उसको लेकर क्या है आपका, उनको साथ में लेके चलेंगे? देखिए, हमारे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी मैं यहाँ से फ्री होने के बाद, क्योंकि सुबह से ही कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, मैं यहाँ से जैसे ही फ्री होऊंगा तो मैं विधायक जी के घर पर जाऊँगा,
और जो है इस तरह की कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होगा भी तो उसे आपस में मिल बैठ के सुलझा लिया जाएगा। उनका आशीर्वाद लेके 2022 तक करेंगे। बिल्कुल, उनका आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद सब मेरे साथ है।